स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है एवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यहाँ साफ साफ लिखा है कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, विदाउट मल्टीप्लाई, नहीं तो वैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर आ जाएगा भाई, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक मिनट लगेगा मुश्किल से आंसर आ जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई नहीं करना, यानी कि आइडेंटिटी यूज़ करना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 103 इंटू 107 है, अब आप इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और लिख सकते हैं 100 प्लस 7, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा अगर आप हम देखें तो वही वाली आइडेंटिटी लग रही है, x प्लस ए एक्स प्लस बी लग रही है ना आइडेंटिटी, तो हम आइडेंटिटी लिखेंगे वही वाली आइडेंटिटी हम जो यूज़ करी थी इससे पहले, उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर आइडेंटिटी, यही लिख देता हूँ मैं यूजिंग आइडेंटिटी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस आइडेंटिटी को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्स की जगह पे क्या है, 100 है, लेट एक्स की जगह पे 100 है, देखो एक्स प्लस है एक्स प्लस बी 100 प्लस 3 100 प्लस 7, और ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे 7 है, ठीक है लिख लेते हैं इसको 100 प्लस 3 100 प्लस 7। अब इसको ऐसे फॉर्मेट में लाना है, इसको ऐसे में चेंज करना है, तो इसको भी हम ऐसे में ही चेंज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है 100 का स्क्वायर, बात समझ में आ रही है, एक्स स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स बराबर 100 है, ठीक है ना, समझना ध्यान से। अब प्लस लिखेंगे प्लस ए प्लस बी, ए की जगह कितना 3, बी की जगह 7, तो 3 प्लस 7 और एक्स एक्स की जगह 100 है तो यहाँ इंटू 100 प्लस ए बी, ए बी का मतलब 3 इंटू 7। चलिए अब हल करते हैं आगे, 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 का स्क्वायर में 4 जीरो हो जाएंगे दो की जगह, अब 2 और 2 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 7 और 3 कितने हुए 10 इंटू 100 प्लस 7 3 है 21। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो हैं इसमें, और 100 का इंटू 10 में करेंगे देखो 1 बन जाए 1 3 जीरो आ जाएंगे 1 2 3 ये 3 जीरो हो प्लस 21। अब सबको ऐड करेंगे तो इस तरह ऐड कर लो जिससे गलती ना हो, ठीक है ना, हम इस तरह से लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1000 फिर 21, अब आप ऐड कर दीजिए 12011, तो ऐड करके हमारा क्या आ रहा है 11021, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करना है हमको विदाउट मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसी तरीके से हम आगे कर सकते हैं।